भवानी खेड़ा क्षेत्र के गांवपुर में आज सुबह फिर हरियाणा रोडवेज की बस में छात्रों की आपसी झड़प का मामला सामने आया है, जिसके कारण रोडवेज की बस को गांवपुर के बस अड्डे पर ही रोक दिया गया। बस को रोकने के कारण ग्रामीणों और छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हरियाणा रोडवेज की खचाखच भरी चलती हुई बस में झड़प के बीच बचाव कर रहे परिचालक के साथ भी हाथापाई की गई। गांव कुंगड़ से भवानी खेड़ा जा रही हरियाणा रोडवेज की बस में दो दिन पहले भी छात्रों द्वारा झड़प का मामला सामने आया था, जिसके बाद मौके पर पुलिस प्रशासन भी पहुंचा था, लेकिन पुलिस द्वारा भी इस मामले पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसके बाद एक बार आज फिर से छात्रों द्वारा चलती बस में झड़प हुई। झड़प को लेकर ड्राइवर का आरोप है कि दो दिन पहले हुई छात्रों की झड़प से अगर पुलिस प्रशासन कड़े कदम उठा लेता तो आज शायद ऐसा नहीं होता। अभी हमने मामले की सूचना मौके पर ही दे दी थी, लेकिन सूचना के बाद भी कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। कुछ दिन पहले, दो दिन पहले की बात है, ये बस में बस आ रही थी, सुवाड़ा के बच्चे चढ़े थे, उन्होंने बाद में कुरुवाड़े चढ़े, कुरुवाड़े बच्चों ने भवानी खेड़ा उनको उतरने नहीं दिया, जहाँ तक मेरे को पता है, बाद उन्होंने भवानी खेड़ा वाले बच्चे बोले पीछे वाली खिड़की में नहीं उतरना, आगे वाले बच्चे आगे वाली खिड़की में उतरो, कोई उतरा नहीं। उसके बाद सब बच्चे आगे आगे वाली खिड़की में उतर गए, उसके वो उनका अगले दिन शिवाड़ा वाले बच्चे ने क्या खिड़की बंद कर ली, शिवाड़े जाके शिवाड़े तय और पूरी खिड़की को नहीं खोल ली। उसके बाद उन बच्चा ने खिड़की की लात मारी, शीशे वीशे टूट गई, ये दो तीन दिन की घटना तो मैंने अखबार में पड़ी थी। और आज जब मैं शिवाड़े तक निकला, शिवाड़े के बच्चे चढ़ गए, बस में फुल बस भरी थी, तो पूरा बस स्टैंड पर आने के बाद यहीं पर रोक और नहीं तो इन्हें तोड़ देंगे और तेरे मारेंगे। मैंने बस साइड में लगा ली, बस कोई बस चढ़ा नहीं, एक बच्चा पूरा था मोशन सिस्टम टाइप करी, कोई चित्र मारपीट करी है, कोई लड़की को कभी लगी है, उस लड़की बेहूस होगी, उसमें लेके गए हैं ऑटो में लेके गए हैं। उसके बाद कुछ बच्चे और गाड़ी लेके आगे सारे, कोई प्रशासन का अधिकारी नहीं आया। और 20-25 दिन के बाद मैंने एस पी के पास फोन किया और भवानी थाना में फोन किया, आए हैं अब तक आके उन्होंने कुछ कार्रवाई करी है, पता नहीं कब तक यहीं पर खड़ा हूँ। और अगर यूं रहा बच्चे खिड़कियों में लटके हैं तो हालांकि मामले की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी थी। हमारे पास टेलीफोन आ गया था, जो हमें पहले से करोड़ों खेले गए तफ्तीश में, तो स्कूल के बच्चे हैं उनका ऑफिसर में बताओ चल रहा कहीं बच्चे, तो उनमें हमारे पास सूचना आई, मैं तो मौके पर पहुंचा, वहाँ गया कि बच्चे वगैरह कोई थे नहीं, बस खड़ी थी, फिर बस वाले ने पूछा कि कोई दरखास्तवादी या कोई तेरे साथ झगड़ा है, तो बस वाले ने कहा कि मेरे साथ कुछ नहीं, आप सिर्फ बच्चे लग रहे थे। मैंने सोचा भाई बस का कोई नुकसान नहीं पहुँचा दे, इसलिए बस मैंने यहाँ खड़ी कर दी। और बच्चों के बारे में पता करा, गाँव से पता किया, अगर कोई दरखास्तवादी है तो दी नहीं है, अगर कोई कंप्लेंट आई तो कोई कार्रवाई। सत्य खबर के लिए भवानी खेड़ा से सुशील कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।